जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों का क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कान मास्टर में उर्दू या इंग्लिश फॉन्ट्स कैसे ऐड करें। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि APK एडिटर को इस्तेमाल करके कान मास्टर में फॉन्ट्स ऐड करते हैं, लेकिन मैं आपको एक और एप्लीकेशन के साथ फॉन्ट्स ऐड करके दिखाऊँगा, वो भी 5 सेकेंड में। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये KM फॉन्ट इंस्टॉलर के साथ मैं फॉन्ट ऐड करूंगा काइन मास्टर में। ये देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आपके सामने है और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको काइन मास्टर ओपन करके दिखा देता हूं कि उसमें पहले से कोई भी फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको काइन मास्टर में ले चलता हूँ। ये देख सकते हैं काइन मास्टर ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ बैकग्राउंड ले लेते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया मैंने। तो सबसे पहले यहाँ कुछ लिख लेते हैं आपके सामने, वो आपको दिखा दूँ कि इसमें पहले से कोई फॉन्ट इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो ये देख सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद लिख लिया है। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पहले से कोई फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है। तो सब कुछ आपके सामने मैं करके दिखाऊँगा कैसे फॉन्ट इंस्टॉल करना है। तो ये देख सकते हैं कोई फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है इसमें। तो इसके लिए हम उसी एप्लीकेशन में चलते हैं KM फॉन्ट इंस्टॉल में, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे फॉन्ट इंस्टॉल करने हैं, इसमें ऐड करने हैं। तो जी दोस्तों ये देख सकते हैं KM फॉन्ट इंस्टॉलर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आपके सामने, इसको ओपन करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम इंस्टॉल फॉन्ट पर ऐड क्लिक करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, ये देख सकते हैं थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको लोडिंग होने में फ़ाइल को। तो ये देख सकते हैं लोड हो रही है। तो उतनी देर में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन को दबा दें। ये देख सकते हैं कि लोड हो रही है। ये देख सकते हैं कि सारे फॉन्ट्स वगैरह आ गए हैं जो मेरे मोबाइल स्टोरेज में पड़े हैं। ये देख सकते हैं मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो जो मैंने ऐड करने हैं। इसमें जितने मर्ज़ी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं उर्दू के फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको मैं ऐड करूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे उर्दू के फॉन्ट इसमें ऐड सेलेक्ट कर लिए हैं। ये देख सकते हैं अब मैं आपको ऐड करके दिखाऊँगा। तो जी तो दोस्तों काफ़ी सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको ऊपर से डन करते हैं। ये देख सकते हैं फॉन्ट इंस्टॉल हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं अभी 5 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएंगे इसमें। तो फिर आपको दिखाते हैं। तो जी दोस्तों इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। काइन मास्टर और KM फॉन्ट इंस्टॉलर दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं फॉन्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं सब फॉन्ट ऐड हो गए हैं इसमें। तो हम अब ओके करते हैं यहाँ, तो बैक जाते हैं काइन मास्टर में। आपको दिखाता हूँ कि देख सकते हैं आप, अब काइन मास्टर ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं मैं अब काइन मास्टर ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें ऐड हुए हैं कि नहीं। ये देख सकते हैं पहले का हमने प्रोजेक्ट लिया, ये जो पहले लिखा हुआ था वो देख सकते हैं। अब इसको क्लिक करते हैं और फॉन्ट में जाते हैं। ये देख सकते हैं अलग-अलग फोल्डर बन गया माय फॉन्ट्स का। तो इसमें हमने जो भी फॉन्ट्स ऐड किए थे वो ऐड हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे फॉन्ट आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जब APK एडिटर के साथ आप फॉन्ट ऐड करते थे तो उनके ओरिजिनल नाम के साथ भी नहीं थे शो होते, और वो रिप्लेस करने पड़ते थे। वो जो भी काइन मास्टर में पहले फॉन्ट इंस्टॉल होते हैं उनके साथ रिप्लेस करने पड़ते थे। तो इसके साथ जब मैंने ऐड किए हैं, ये देख सकते हैं आपके ओरिजिनल नाम के साथ सारे फॉन्ट शो हो रहे हैं। जैसा कि आपको परेशानी होती थी पहले के, वो ढूंढने पड़ते थे कौन सा फॉन्ट कौन सा है, तो रिप्लेस के साथ पता ही नहीं था चलता। ये देख सकते हैं ओरिजिनल नाम के साथ है। उम्मीद है सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।